वेव्स होती हैं वो किस तरीके से काम करती है। आपने ईसीजी का नाम सुना है? ईसीजी जो होता है वो आपकी हार्ट बीट को मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है कि आपकी हार्ट बीट किस तरीके से फंक्शन कर रही है, कितनी बीट्स हैं, ज्यादा है, कम है या मीडियम है, जो कुछ भी है ईसीजी के माध्यम से हमें हार्ट की पूरी कंडीशन और पूरी वर्किंग हमें पता चल जाती है। जिस तरीके से हार्ट की धड़कन होती है उसी तरीके से हमारी ब्रेन की भी धड़कन होती है, और ब्रेन भी लगातार ब्रेन की धड़कनों को विचारों के माध्यम से मेजरमेंट किया जाता है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, हमारे मन में जो विचार आते हैं वो पूरे दिन भर में करीब करीब 65,000 से 70,000 विचार आते हैं। पूरे दिन भर में एक आम इंसान को लगातार विचार आ रहे हैं, कभी ये विचार, कभी वो विचार, कभी इसके बारे में सोचना, कभी उसके बारे में सोचना, लगातार हमारे दिमाग में विचार एक के बाद में एक चलते रहते हैं। महिलाओं के दिमाग में अलग विचार चलते हैं, पुरुषों के दिमाग में अलग तरह के कुछ विचार चलते हैं, लेकिन सभी विचारशील लोग हैं। और लगातार करीब करीब वैज्ञानिक लोग ये मानते हैं कि 60,000 के आसपास में दिन भर में एक इंसान अलग अलग तरीके से विचार आते हैं और विचार करता है। अभी आप यहां बैठे हुए हैं, आपकी ये पांचों इंद्रियों के माध्यम से विचार बनते हैं। आप जो कुछ देखेंगे, अचानक आपने देखा, आपके मन में फिर कुछ सवाल आ जाएगा, कुछ विचार आ जाएगा, फिर आप दूसरी तरफ देखेंगे, फिर कुछ विचार आ जाएगा। आप टीवी देख रहे हैं, टीवी पे जैसे कुछ कुछ चीजें चेंज होगी, न्यूज चेंज होगी, तो आपके विचार भी उस तरीके से बदलते रहते हैं। अचानक फिर कोई फोन की घंटी बजेगी तो फिर आपके विचार बदल गए और आप फिर उस पर सोचना शुरू कर दिए। वहां पर कोई बातचीत हुई, कन्वर्सेशन शुरू हुआ, उस विचार से कुछ और बात निकली और फिर आपने कुछ और विचार करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से लगातार एक दिन में 60,000 से 65,000 से 70,000 विचार आपके दिमाग में लगातार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आप कुछ नहीं भी करोगे तब भी ये विचार आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है, लगातार विचार चलते ही रहने वाले हैं। ये विचार अच्छे भी हो सकते हैं, ये विचार बुरे भी हो सकते हैं, विचार विचार हैं, लगातार ये आपको आते रहने वाले हैं। और उन विचारों की फ्रिक्वेंसी के हिसाब से यदि आप ब्रेन वेव्स को नापने की कोशिश करोगे तो जिस तरह से ईसीजी होता है उस तरीके से ईईजी भी होता है। ईईजी के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि हमारे विचार की क्या, हमारे जो माइंड है वो किस अवस्था में है अभी, ठीक है। यदि हमारे दिमाग में 14 से लेकर के 30 विचार आ रहे हैं तो हम उसको अवेकनिंग चेतना अवस्था बोलते हैं, जागृत अवस्था में अपने आप को मान सकते हैं। 14 से 30 विचार कि प्रति सेकंड इसमें आते रहते हैं, जाते रहते हैं, दिन भर। अभी ईईजी लगा देंगे ना मशीन तो वो बताना शुरू कर देगा आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मतलब कितने विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। जिस तरह से हम धड़कनों को नाप सकते हैं ना, अपने हार्ट बीट को नाप सकते हैं, ईईजी के माध्यम से सारी फंक्शनिंग को देख सकते हैं, ठीक इसी तरीके से जब हम जागृत अवस्था में हैं तब हमारे विचारों की संख्या जो होती है 14 से 30 होती है, और जब हम अल्फा अवस्था में होते हैं 9 से 13 के बीच में होती है, 9 से 13 मतलब और विचार की स्थिति कम हो गई, और डेल्टा अवस्था में होते हैं तो बिलो 4 हर्ट्ज के आसपास में रहती है, जहां पर डीप स्लीप में चले जाते हैं, लॉस ऑफ बॉडीली अवेयरनेस, जहां हम सो जाते हैं, बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं ना, आपको कुछ भी होश नहीं रहता है, नगाड़े बजा देंगे तब भी आप नहीं उठोगे, कुंभकरण, तो वो डेल्टा अवस्था में है। और थीटा अवस्था में तो बिल्कुल कॉन्शियसनेस ही खत्म हो जाती है, और थीटा और गामा की जो पोजीशन होती है इस पोजीशन पर आदमी बेहोशी में चला जाता है, उसमें उसको कुछ भी होश नहीं रहता है, अनकॉन्शियस रहता है वो, उसको कुछ भी पता नहीं रहता है, विचारों का आना जाना बिल्कुल ही बंद हो जाता है, ठीक है। तो जागृत अवस्था में तो हम हमेशा हैं जहां पर लगातार विचार कर रहे हैं, तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है कि यदि आपको सबकॉन्शियस माइंड से बात करनी है, सबकॉन्शियस माइंड का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि चेतन मन को कहीं पर काम पर लगा दो और अवचेतन मन में जो भी इंफॉर्मेशन डालनी है वो आप डाल दो। वो कैसे हो पाएगा? तो उसमें ये बताया गया कि सबसे अच्छी अवस्था होती है कि जब आप ना तो जाग रहे होते हैं
और ना सो रहे होते हैं। जो बीच की अवस्था होती है, जागने और उठने के बीच की अवस्था जो होती है वो कहलाती है अल्फा स्टेट। और अल्फा स्टेट में जो भी निर्देश दिए जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड को, अर्ध जागृत मन को, वो सारे के सारे वैसा का वैसा वो एक्सेप्ट कर लेता है। वो किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है, कोई रुकावट पैदा नहीं करता है, उस चीज को वैसा का वैसा वो स्वीकार कर लेता है।